गई सब पूजन साधना अपनी करी नित्य क्रिया और अगले दिन समय जब आयो तो फिर से अपना शरीर पूरा कर लियो और मैया पहुंच गई सेवा में और वो भी शामिल है। तो भक्तन के मृत्यु भी अधीन होती है और वह मैया की इच्छा बाबा ने पूरी कर दी। ये सच्ची घटना है विमल कुंड कामा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भक्त जब भक्त से मिलता है तो वह भक्ति की ही चर्चा करता है, संसारिक चर्चा नहीं करता है। और यदि तुम संसारिक चर्चा करोगे भी उनके पास जाके तो वो घुमा फिरा के वो भगवान की ही चर्चा तुमसे करने लगेंगे। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि भगवान सृष्टि का वर्धन करते हैं और अत्रुहा सर्वभूतेषु मनसा कर्मणांगरा अनुग्रहस्य दानस्य शीलमेतत् प्रचक्षते। कई प्रकार की सृष्टि भगवान करते हैं। कहते हैं जो लोग फल इच्छा लेकर के कार्य करते हैं इसलिए वह कार्य पूर्ण ना होने पर दुख मिलता है। तो फल इच्छा को त्याग करके कर्म करने पर दुख नहीं मिलता है। जो लोग प्रभु की लीला कथा नहीं सुनते देह की रति के कारण ऐसे लोग दुखी ही रहते हैं। आगे विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किए हैं। कहे कि नारायण से ब्रह्मा, नारद, नारद जी से व्यास, व्यास जी ने सुखदेव जी को ये कथा सुनाई थी जो पहले दिन हम आपको बता चुके हैं। आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं सृष्टि तो कर रहा हूं लेकिन मुझे अहंकार ना हो ऐसी कृपा आप करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी कृपा से ही यह सृष्टि करता हूं, मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सृष्टि वर्णन में बताते हैं कि स्थावर विंशत लक्षम जलजम नवलक्षकम क्रमिश्चंद्रम लक्षम च दस लक्षम च पक्षणा त्रिंश लक्षम पुराणाम च पशूनाम च चतुर्लक्षम च वानरा तथा मनुष्यता प्राप्य कर्माणी साधयति। 9 लाख प्रकार की जलचर योनियां सृष्टि में बनाई, 11 लाख प्रकार के कृमि कीट पतंगे हैं, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 20 लाख प्रकार के पशु हैं, 20 लाख प्रकार के स्थावर और 4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनियां हैं। कुल मिलाकर के ये 84 लाख योनियां हैं। ऐसे समझो कि महाराज 84 दरवाजे हैं किसी नगर के लेकिन एक ही दरवाजो खुलो भयो है। यदि वह दरवाजे से नहीं निकले तो फिर 84 को चक्कर काट के आओ। कोई व्यक्ति हो कोई नगर में फंस गए हो वहां में 84 दरवाजे, अब जैसे ही वो दरवाजा आवे तो अपना वो कभी सिर खुजलाने लग जा कभी आंख खुजाने लग जा वो दरवाजा निकल जा फिर काट के आवे 84 का चक्कर। तो ऐसे ही ये एक ही दरवाजो खुलो भयो है। मनुष्य जन्म आपको मिला है तो बस ये अंतिम जन्म है। भगवान की आराधना करने के लिए ये जीवन मिला है, ये लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य जन्म का, नहीं तो फिर 84 का चक्कर काट के आओ। जब सभी योनियों को 1-1 करोड़ वर्ष तक मनुष्य भोग लेता है तब जाकर के ये मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। इसलिए ये बहुत ही हमारा अनमोल जीवन है। आगे कहते हैं सृष्टि वर्णन में 1 परमाणु से 3 अणु 3 त्रिश्रेणु से त्रुटि 100 त्रुटि 100 त्रुटि का 1 वेद्य 3 वेद्य का 1 लव 3 लव का 1 निमेश 3 निमेश का 5 क्षण 5 क्षण के काष्ठा 15 काष्ठा। काल वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि 15
लघु घड़ी बराबर 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट में दो घड़ी होती हैं, 6 मुहूर्त होते हैं और एक पहर या याम जिसको कहते हैं। दिन और रात को मिलाकर के पहर माना गया है। आगे द्वापर की बता रहे हैं कि इसमें 8,64,000 वर्ष होते हैं, त्रेता में 17,28,000 वर्ष और सतयुग में 2,61,000 सतयुग में होती है और इस प्रकार से आगे सृष्टि का वर्णन किया। सृष्टि की सार्थकता उसी में है कि पूरा परिवार भजन में संलग्न रहे और अनुकूलता रहने पर भी क्लेश ना करे। देखो शिव जी के परिवार में कौन कौन लोग हैं, शिव जी की सवारी है नंदी बैल और माता जी की सवारी सिंह। सिंह और बैल का बैर होता है, सिंह बैल को खा जाता है। और गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा। और कार्तिकेय जी की सवारी मोर। और गले में क्या लटका हुआ है भोले बाबा के, सर्प। मोर सर्प को खा जाता है, सर्प चूहा को खा जाता है और सिंह बैल को खा जाता है। परस्पर द्रोह है लेकिन वहां क्लेश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा उनको सत्संग कराते रहते हैं, कथा सुनाते रहते हैं, तो उनका द्वेष भी समाप्त हो गया। विपरीत स्थिति रहते हुए भी एक दूसरे को कोई नहीं मार रहा है। हमारे बरसाना में एक मोरकुटी स्थान है, वहां श्री नागरी दास जी महाराज ने भजन किया आज से 55 वर्ष पूर्व। तो ये राजघराने से थे, आए सब कुछ त्याग करके इन्होंने भजन किया। इन्होंने एक सिंह को अपना शिष्य बना लिया और उस सिंह ने हिंसा का भी त्याग कर दिया, किसी को मारता छेड़ता नहीं था। उसके गले में झोली डाल देते तो वो भिक्षा लेकर के उनके पास आ जाता और केवल दूध पी के रहता था। तो एक संत का आश्रय पाने से हिंसक जीव ने भी अपनी हिंसा छोड़ दी। आज भी उसकी गुफा बनी हुई है नीचे शेर की। तो ये सत्संग का प्रभाव है, बड़ा हिंसक से हिंसक जीव भी अहिंसक हो जाता है सत्संग पाकर। आगे सृष्टि विस्तार वर्णन में कह रहे हैं कि चार पहर का एक दिन, चार पहर की रात्रि और चार पहर का दिन होता है। कुल मिलाकर के एक दिन रात में 8 पहर होते हैं। 60 घटी का एक अहोरात्र दिन रात जिसको कहते हैं। 15 दिन का एक पक्ष होता है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का अंधेरी उजियारी रात के गावन 15-15 दिन के होते हैं। और 6 महीने का एक अयन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन होते हैं। 6 महीने की देवताओं का दिन और 6 महीने की रात्रि। कहते ना अब तो देवता सो गए महाराज, तो 6 महीना के काजे देवता सो जाएं। और एक दक्षिणायन बराबर एक दिव्य रात, एक उत्तरायण बराबर एक दिव्य देव दिन होता है। 30 वर्ष का एक दिव्य मास होता है, 360 वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है, 3030 वर्ष एक सप्तर्षि वर्ष के बराबर होता है, 9090 वर्ष एक ध्रुव वर्ष कहलाता है, 96,000 वर्ष बराबर 1,000 दिव्य वर्ष होती हैं,
4,32,000 वर्ष एक कलयुग में होती हैं, 8,64,000 वर्ष एक द्वापर में, 12,96,000 वर्ष एक त्रेता में और 17,28,000 वर्ष सतयुग में होती हैं। 4,32,000,000 वर्ष एक चतुर्युगी चौकड़ी बीत जाती है, इतने वर्ष उसमें होते हैं। 71 × 6/14 चौकड़ी बराबर एक मनवंतर होता है। देखो छोटी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक गणना है हमारे ग्रंथों में, जो आपके मैथ में भी नहीं मिलेगी। एक ब्रह्मा का दिन एक सहस्र चतुर्युगी कहलाता है, जिस एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 4,32,00,000,000 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बराबर विष्णु जी का एक दिन होता है, और विष्णु भगवान के जब 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं इसी प्रमाण से, तो भगवान श्री कृष्ण का एक निमेश यानी कि एक क्षण व्यतीत होता है। अर्थात हमारे भगवान काल से परे हैं, काल के बंधन में नहीं है, हम लोग सब काल के बंधन में हैं। ब्रह्मा जी की आधी आयु को परार्ध कहते हैं, वर्तमान में द्वितीय परार्ध चल रहा है। आचार्य जी सभी बोलते हैं ना संकल्प में, द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कृतेता द्वापरांते अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूदीपे भारत वर्षे भरत खंडे। बोलते हैं ना संकल्प में ब्राह्मण लोग, तो ये द्वितीय परार्ध चल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड 50,00,000,000 योजन के विस्तार का है। सूचा भिन्ने पद्य पत्रे तुट रित्य विधीयते, कमल की एक पंखुड़ी में सुई से छेदन करने में जितना समय लगता है ब्रह्मा जी का, उसको त्रुटि काल कहा जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन बराबर एक कल्प और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु का एक महाकल्प होता है, अर्थात 100 कल्प बराबर एक महाकल्प होता है। ये आप समय गणना संक्षेप में श्रवण किए। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि वर्धन हुआ, इनके पुत्र कर्दम उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने इनको भी आज्ञा दी कि भाई तुम भी सृष्टि वर्धन करो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए गए और तपस्या की, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इनको वरदान दिए। इन्होंने जो भी कामना की थी, आगे इनका चरित्र आप लोग विस्तार से श्रवण करोगे। कहते हैं कि जब सृष्टि करने लगे ब्रह्मा जी तो एक समस्या आ गई। सब देवता लोग ब्रह्मा जी के सहित गए भगवान के पास, महाराज सृष्टि तो तैयार हो गई लेकिन अब ये रहेगी कहां, क्योंकि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष रसातल के लिए ले गया है। अब उसी समय ब्रह्मा जी थोड़ा चिंतित हुए और चिंतित हो ही रहे थे, उसी समय उनके नासा विवर से एक सूकर का बालक छोटा सा उनके नासा विवर छिद्र से उत्पन्न हो गया। बोली बारा भगवान की जय हो, और गदा घुमाते हुए आकाश मंडल में विचरने लगे। थोड़ी दूर देर में उनका बहुत बड़ा विराट स्वरूप हो गया भगवान का, सब देवता लोग स्तुति करने लगे। बोले ब्रह्मा जी क्या आज्ञा है, आप आदेश करें। बोले प्रभु आदेश का निवेदन है कि ये सृष्टि तो हो गई लेकिन ये रहेगी कहां, हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया है, आप उसका उद्धार करें। तो गदा घुमाते हुए इधर हिरण्याक्ष को खोजते हुए पहुंचे समुद्र में। इधर ये हिरण्याक्ष कुबेर के पास पहुंचा, बोले मेरे आज हाथों में खुजली हो रही है, थोड़ा दमखम हो जाए।
कुबेर जी बोले भाई तुम्हारे दमखम तो भगवान ही कराएंगे, जाओ तुम्हारा इंतजार कर रहे। बोले अच्छा, तो गदा घुमाते हुए ये भी आया महाराज। भगवान अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को स्थापित करके लाई रहे थे। जय जय श्री राधे श्याम। गदा घुमाते हुए ये भी पहुंचा कि अरे तुम जैसे बंचरों को मैं ही खोजता रहता हूं। भगवान बोले तुम हमारे जैसे बंचरों को खोजते हो, हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजते रहते हैं। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। अरे बोले हमसे कुत्ता का? बोले हाँ, तो कुत्ते से कम भी नहीं हो। अब तो महाराज बात ही बातों में युद्ध छिड़ गया। बहुत देर तक गदा युद्ध उनमें हुआ। अंत में भगवान ने इनको बहुत देर खेल खिलाया और एक इसमें तमाचा लगाया बढ़िया, और इसकी गोविंदाय नमो नमा हो गई। बोलिए बारा भगवान की जय हो। और पृथ्वी को लेकर के पुनः भगवान ने स्थापित किया, इस का उद्धार हो गया असुर का। परीक्षित जी पूछने लगे महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जो भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया? बोले ये पूर्व जन्म में जय विजय नाम के दो पार्षद थे भगवान के। इन्होंने शनकादीश्वरों का अपराध किया, उस अपराध के कारण 3 जन्म तक ये लोग असुर योनि को प्राप्त हो गए। तो अभी ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में आए हैं। भगवान ने इनका 3 जन्मों में उद्धार किया। दंतवक्त्र विदुरत, इधर रावण कुंभकर्ण और ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, ये 3 जन्म इनके हुए। 3 बार भगवान ने इनका उद्धार किया और अंत में अपने धाम की प्राप्ति इन्होंने करा दी। बोले महाराज ये तो कश्यप जी के पुत्र थे, लेकिन इतनी दुष्ट प्रवृत्ति इनकी कैसे हुई? बोले एक बार की बात है, कश्यप जी अपनी नित्य क्रिया में लगे थे, उसी समय इनकी पत्नी दिति आई और इनका वस्त्र पकड़ लिया और संतान की इच्छा करी। बोले महाराज मुझे पुत्र दो। कश्यप जी बोले देखो देवी, अभी ये समय ठीक नहीं है, ये पूजा पाठ का समय है, संध्या का समय है, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी तुम रुको। लेकिन ये तो महाराज काम में मतवाली इतनी हो गई कि इनको कुछ भी भान नहीं रहा। देखो 4 काम संध्या काल में नहीं करने चाहिए। चत्वारी खलु कर्माणि धर्माणि संध्या काले विवर्जये स्वात् आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। संध्या काल में ये 4 काम वर्जित है। आहार जब दोनों समय मिल रहे हो तो भोजन नहीं करें। बोले यदि भोजन करता है तो क्या होता? बोले आहारा जायते व्याधि, उसको अनेकों प्रकार की व्याधियां बीमारियां घेर लेती हैं। और क्रूर गर्भस्य मैथुने, यदि स्त्री पुरुष उस समय मिलते हैं तो क्रूर गर्भ की स्थापना होती है, राक्षस आसुरी प्रवृत्ति की संतान होती है। और उस समय सोना भी नहीं चाहिए। जो दोनों समय मिलते सोते हैं नींद में, खर्राटे लेते हैं महाराज, वो श्रीहीन हो जाते हैं, अनेकों बीमारी उनको हो जाती है। और चौथा स्वाध्याय, उस समय पढ़ना लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आराधना का समय होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे से 6 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का समय। इन दोनों समय में भगवान की आराधना करनी चाहिए, ये केवल समय आराधना के लिए है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म चिंतन करने से शीघ्र ही भगवान में मन लग जाता है, इसीलिए बच्चों को भी घर में जल्दी जगाना चाहिए।
आजकल क्या हो रहा है, रात को 2 बजे तक तो देखेंगे मोबाइल और सुबह 10 बजे 11 बजे तक खर्राटे लेंगे। सोवे के टाइम पे तो जगे और जगवे के टाइम पे सोवे। यूं बैठे होंगे 2-4 देवता ऐसे तो, लेकिन कोई बात नहीं है, सत्संग सुन के सुधार लाना चाहिए अपने अंदर। दोनों समय मिलते कभी नहीं सोना चाहिए। छोटे बच्चों को भी जगा देना चाहिए, जब पीछे बाद में सो जाओ उस समय, लेकिन जगा देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो जो भी हो, देखो सत्संग तो भैया इसीलिए होता है, हमको किस लिए बैठाए यहाँ कहने को, कहने के लिए बैठा है तो कहेंगे जरूर, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली। आज 3 दिन तो निकल गए, 4 दिन और है, फिर अपने लेके झूला निकल जाएंगे। गाली देते रहिए आप लोग तो भाई, भलाई की बात तो कहनी चाहिए। तो सुबह शाम भगवान की आराधना नित्य करनी चाहिए। जिन भगवान ने हमको 24 घंटे दिए उनके लिए 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हमको अवश्य निकालनी चाहिए। जैसे हम भोजन नित्य करते हैं, समय पे भोजन चाहिए, तो ऐसे ही भजन भी नित्य करना चाहिए। शरीर की पुष्टि तो भोजन से होती है और आत्मा की शुद्धि, जो आत्मा रूपी भगवान बैठे हैं उनका भोजन क्या है, भजन। अब कोई गाड़ी में तो डीजल डाल दे लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं खिलाए तो गाड़ी चलेगी? 2 दिन 4 दिन चलाएगा, ज्यादा से ज्यादा छोड़ के भाग जाएगा, बोले भाड़ में जाओ। तो ड्राइवर को भी भोजन जरूरी है और गाड़ी को भी धन जरूरी है। इसलिए जो आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा है ना भगवान, इसके लिए भोजन बहुत जरूरी है, भजन। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं 12,000। भोजन तो 3 बार को, देखो 1 बार भोजन करना ये तो प्रकृति है, 2 बार करना ये विकृति है, और 12 बार करना, दिन भर पलटा चलते ही रही मैया को आदत हो, कभी हलवा बना रही है कभी कुछ बना रही है, घर में चाउमीन बर्गर आजकल तो क्या क्या चल गए, तो बार बार खाना है बकरी की तरह हर समय, ये भी ठीक नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार खा लो, दिन भर चबर चबर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद में हमारी जो जठराग्नि होती है ना वो धीमी पड़ जाती है। इसलिए 12 बजे से पहले पहले भोजन कर ले, संध्या काल में कम भोजन करे, क्योंकि जठराग्नि मंद होती है। अब लोग बाग ठूस ठांस के खा लें खूब शाम को भी, और फिर पेट में भरा है जाएगा हो, तो थोड़ी जगह रखनी चाहिए हवा के लिए पानी के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ये इसी अपराध के कारण आश्री योनि को प्राप्त हुए थे दोनों, जय विजय नाम के पार्षद, और इनका वैकुंठ से भगवान की इच्छा से ही पतन हुआ, और इनका जन्म दिति के यहाँ हुआ, और भगवान के द्वारा पुनः इनका उद्धार हो जाता है। बोलिए 12 भगवान की जय हो। आगे ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार की सृष्टि की है। बोलो हो अपने चरणों में दे दो ठो, जय हो। अब नहीं चाहिए कछुओं बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, बसालो वृंदावन में, अपने चरणों में दे दो, हो राधे
संभव।